Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two phone calls, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Two phone calls, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home. फर्स्ट टाइम मैं फेस वैक्स करने वाली थी तो सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वैक्स का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड ऑल्सो ये जो प्रोडक्ट है इसके साथ भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मैंने मीशो से लिया है वैक्स किट, वैक्सिंग किट, जो कि मुझे 350 के अंडर में मिला। एंड या गाइस 350 के अंडर में मुझे ये वैक्सिंग किट मिली है फ्रॉम मीशो। तो अगर आपको ये पिंक प्रोडक्ट चाहिए तो मैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो दोनों एक्सपीरियंस मेरे लिए फर्स्ट हैं, तो सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट, व्हाट्स द फाइनल रिजल्ट। एंड तो यहाँ पे सबसे पहले वैक्स मैंने अपने नोज़ पर करना चाहा, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है और मैं स्क्रब करती हूँ उसके बाद भी नहीं हटते हैं, ये ब्लैक हेड्स नहीं जाते हैं। देन मैंने सोचा कि चलो अब हम फेस वैक्स करेंगे तो उस टाइम शायद इससे हट जाए स्ट्रिप से। एंड तो यहाँ पे ना जो मैंने ये स्ट्रिप्स है ना वैक्स की, ये काफ़ी लंबी होती हैं, तो इनको आपको कट कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर नीड, क्योंकि हर पार्ट के हिसाब से आपको छोटे छोटे स्ट्रिप्स की नीड होगी। एंड मैंने नोज़ पर जब मैं वैक्स करने बैठी तो इसमें बहुत टाइम लगा, इवन मैंने अपने पूरे फेस पर कर लिया था, उतना टाइम फेस पर नहीं लगा पूरे फेस पर जितना मुझे सिर्फ एक पार्ट नोज़ पर वैक्स करने पर लग गया, तो बहुत टाइम लगता है। एंड एक और बात का ध्यान रखें, ये एक इलेक्ट्रिक पॉट होता है जिसमें हमें अपनी वैक्स हीट करनी होती है, गर्म करनी होती है, तो ये जो जेल है ना आपको ब्लो कर करके लाइक फूक मार मार कर आपको अपने स्किन पर लगाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो जेल है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए बाय उसके, वरना आप जल भी सकते हो यार, तो ये चीज़ आपको खुद से ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद ना नोज़ पे किया, फिर नोज़ के साइड्स, नोज़ के अपर पे ब्लैक हेड्स होते हैं और साइड पे वाइट हेड्स, लाइक जो हम सोप वगैरह जो हम फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमें अपने नोज़ के साइड हमें देखने को मिलते हैं। तो कभी आप देखोगे ना इस तरह से अपने मतलब दोनों नोज एंड चिक के बीच में इस साइड पे लाइनिंग पे जहाँ पे हम कॉन्टोरिंग करते हैं उस पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपको वाइट हेड्स मिल जाएंगे। एंड मैंने चिक भी अपने वैक्स किया एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपके ना एकदम फ्लैट गाल है ना, लाइक आपकी चिक ना वो बाउंसी वाले नहीं है, तो आपको पेन हो सकता है, लेकिन अगर आपके बाल चिक ना थोड़े हैवी है तो आपको ज़्यादा पेन नहीं होगा। एंड एक और चीज़ गाइज, अगर आपने कभी ये वाली वैक्स अपनी बॉडी लाइक हैंड्स एंड लेग्स पे अगर आपने किए हैं या फिर करवाए हैं तो आपको इसके पेन के बारे में पता होगा, तो अगर आपको पता होगा तो आप इसे फेस पर खुद से आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने लेग्स एंड हैंड्स पर कभी ये वैक्स किया ही नहीं तो मैं कहूँगी कि आप इस वैक्स से दूर रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो पेन होगा एंड इसके पेन के बारे में भी आपको नहीं पता होगा, तो ऐसे में आप इसे ना करें। और जो वैक्स करते हैं लाइक हैंड्स एंड लेग्स पर जो ये वाली वैक्स कर चुके हैं तो उनके लिए तो सही है एंड आई थिंक वो भी करते ही होंगे, तो पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने क्या कभी ये वाली वैक्सिंग की है अपने फेस पर। हैंड्स और लेग्स पर तो हम करते ही हैं एंड जैसा कि मैंने कहा कि ये मैंने पहली बार किया है और जिस हिसाब से मैं पहली बार कर रही थी मुझे बहुत कम पेन हुआ गाइज, क्योंकि मैं वैसे तो अपने फेस के वैक्स के लिए अपने फेस पर जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए वो रेजर का यूज़ करती हूँ, यस कभी कभार, एंड नहीं ऑल्सो मैं वही यूज़ करती हूँ, तो मैंने बट आज मैंने डिसाइड ही किया कि चलो फेस के वैक्स करके ही रहेंगे। एंड अपर लिप्स भी मैंने कर लिया, नोज़ भी हो गया एंड हाफ मेरा चिक भी कंप्लीट हो गया एंड टर्न था हमारा चिन को वैक्स करने का, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद मैंने अपने ये डबल चिन है ना, ये पहले नहीं थे मेरे डबल चिन, अब हो गए हैं, मोटी होती जा रही है यार, तो फिर हम यहाँ पे भी करेंगे। और जेल लगा लिया है मैंने, बहुत डर लग रहा था यार इससे यहाँ पे, क्योंकि ना नीचे जो हमारे नेक की जो वो होती है ना स्किन, वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत थिन होती है, तो अगर आपकी स्किन जितनी
थिन होगी आपको वैक्स के टाइम पर उतना ही पेन होगा। सो या एक तो आपका फर्स्ट टाइम ऊपर से आपकी स्किन थिन तो पेन होना लाजमी है, सो बी केयरफुल गाइज अगर आप वैक्स कर रहे हैं तो। एंड जब मैं अच्छे से करना है अच्छे से, जब आप ये जेल लगा लो वैक्स जेल, उसके बाद स्ट्रिप रखो, स्ट्रिप के बाद उसको प्रेस करो आप, या तो कि जैसे हम स्लैप करते हैं ना, तो आपको ना ऐसे हल्के हल्के स्लैप करना है, लगना भी नहीं है आपके स्किन को ज़्यादा, और फिर उसे अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इस स्ट्रिप को रिमूव करना है। लाइक आपको अपनी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन के ऑपोजिट साइड से आपको स्ट्रिप्स को रिमूव करना होता है। तो वैक्सिंग के बारे में भी एक बार पढ़ लेना यार कि वैक्स कैसे करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे हमारे हेयर्स की रीग्रोथ होती है उस डायरेक्शन में आपको वैक्स लगाना है, एंड फिर आपको वो वैक्स स्ट्रिप आपको रख देनी है। फिर ऑपोजिट साइड्स में अगर वैक्स की आपकी जो ग्रोथ है वो लेफ्ट साइड है, तो आपको स्ट्रिप्स को जो है राइट साइड में रिमूव करना है। तो यस, ये ट्रिक आपको करनी है फॉलो, एंड ये ट्रिक नहीं है, ये इसका फॉर्मूला है वैक्स करने का। सो यह बेसिकली जितनी नॉलेज थी आई थिंक वैक्स को लेकर मैंने अपने इस वीडियो में बता दी है। फोरहेड्स पे मैंने यहाँ पे कराई थी ऊपर के आईब्रो पे तो ये बहुत फनी था मेरे लिए, वैसे ही बहुत थिन हेयर्स है मेरे आईब्रोज एंड ऑल्सो हेयर्स, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम मैं वो करूँ हेयर्स से छेड़छाड़, क्योंकि कुदरती भगवान ने बहुत कम हेयर्स दिए सर पे और मेरे आईब्रोज बहुत थिन है। एंड ना उसके बाद जब आपको वैक्स हो जाए ना, आपको एलोवेरा जेल लेना है, उससे अपने फेस की मसाज करनी है। मसाज तब तक करनी है तब तक जब तक आपके फेस पर जो रेडनेस हुआ है, और हाँ जब आप इस तरह से वैक्स कर लोगे तो आपके फेस पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाएगा, एंड उसको कवर करने के लिए, ठीक करने के लिए आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। यस, एलोवेरा जेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं है तो कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद हम आई से अपने फेस की मसाज करेंगे। तो ये आई रोलर मैंने मीशो से ही लिया था जो कि 50 का था, बट ये वर्क सही है, अपने पैसे के हिसाब से बेचारा अच्छा काम कर देता है। तो आई से भी आपको स्क्रब कर लेना है, इससे आपके फेस पे ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा, एंड या हमारा जो वैक्स का प्रोसेस था पूरा कंप्लीट हो चुका है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब।